नमस्कार दोस्तों, तो आज नार्जो 30 का 4G और 5G एडिशन इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। और ये जो नार्जो 30, इसका जो 4G एडिशन, एक का प्राइस है 12,500 रुपए, दूसरे का प्राइस है 14,500 रुपए। और एग्जैक्टली उस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है रेडमी नोट 10। तो इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपका बजट है 12,500 रुपए और अगर आप उस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा आपके लिए सबसे बढ़िया होगा, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। और हाँ, एक चीज, वीडियो पूरा अंत तक देखना, इसके पिछले कंपैरिजन वीडियो का जैसे इसमें भी मैं एक डिजिटल गिव अवे करने वाला हूं, उसका क्या रूल्स है वो देखने के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर को देख के। नार्जो 30, इसका टोटल दो कलर लॉन्च हुआ है, सिल्वर और ब्लू। और रेडमी नोट 10, इसका तीन कलर अवेलेबल है, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन। वैसे इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने रेडमी नोट 10 सीरीज हाथ में लेकर देखा है, इसका पीछे का कलर सच में बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है कि इसमें पीछे आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि वो सच में प्लास्टिक है या फिर ग्लास है। मतलब कह सकते हैं कि इसका पीछे का कलर बहुत ही बढ़िया है। अगर हम दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक कवर देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर देखने को मिलता है। अगर दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, नार्जो 30 का थिकनेस है 9.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 192 ग्राम। Redmi Note 10 का थिकनेस है 8.3 मिलीमीटर और इसका वेट है 179 ग्राम। तो इस जगह आप देख सकते हैं कि ये जो Redmi Note 10, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का और पतला है कॉम्पेयर टू Narzo 30। लेकिन दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले, मटेरियल और बैटरी एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Redmi Note 10 का डिज़ाइन ऑब्वियसली इस बार बहुत ही बढ़िया है। अगर हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, Narzo 30 में आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। लेकिन Redmi Note 10 में आपको मिलेगा 6.43 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन इसके स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। दोनों ही स्मार्टफोन में जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो हमें मिलेगा 90% के आसपास। Narzo 30 के डिस्प्ले में आपको कोई भी गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, Redmi Note 10 में आपको गोइला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। Narzo 30 के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 580 nits और Redmi Note 10 के डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 1100 nits। वैसे ये तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि Narzo पे आपको मिलेगा IPS डिस्प्ले, Redmi पे आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले जनरली बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है कॉम्पेयर टू IPS LCD डिस्प्ले। अगर हम दोनों के CPU के बारे में बात करें, तो इधर दोनों स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो Narzo 30, इसमें में मिलता है हीलियो G95 प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है और जिसका अनटू स्कोर है ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास। लेकिन ये जो Redmi Note 10, इसमें में मिलता है स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर, जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है और इसका अनटू स्कोर है 2,20,000 के आसपास। तो इसका मतलब Narzo 30 का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू Redmi Note 10। अगर हम दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, Narzo 30 में आपको मिलेगा 48 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Redmi Note 10 में आपको मिलेगा 48 8 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वैसे इधर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं Narzo 30 के कैमरा को चूज करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस किया है कि मैंने आज तक जितने भी Redmi ब्रांड के अंदर स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है, सभी फोन में ये जो मेन कैमरा, इससे जो फोटो निकलता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी Realme का स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है, ये चीज मैंने देखा है कि बैक कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा दोनों पे ही ये जो येलो कलर का इशू, ये बिल्कुल भी नहीं है, फोटो ब्राइट और क्लियर आता है। तो इस मामले में मैं Narzo 30 को चूज करना चाहूंगा Redmi Note 10 के मुकाबले। अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, Narzo 30 और Redmi Note 10 दोनों पे आपको 464GB और 6 128GB वेरियंट मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 2+1 कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम सेम टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों के रैम रोम क्वालिटी के बारे में बात करें, तो दोनों पे आपको LPDDR4X क्वालिटी का रैम मिलेगा। Narzo 30 में मिलेगा UFS 2.1 क्वालिटी का स्टोरेज, Redmi Note 10 में आपको मिलेगा UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। और इधर UFS 2.1 और 2.2 के बीच में मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों का जो राइट स्पीड वो एक्जैक्टली सेम, लेकिन दोनों का जो रीड स्पीड, उसमें ये जो UFS 2.2 ये 70 या फिर 80 MB ज़्यादा है, वरना दोनों के बीच में और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें, Narzo 30 में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक डेडिकेटेड ऑडियो चिप मिलता है, जो कि आपको प्रॉपर डायरेक्ट HD ऑडियो प्रोवाइड करेगा। लेकिन Redmi Note 10 में आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, लेकिन इसके साथ कोई भी ऑडियो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब यही चीज़ कह सकते हैं कि Redmi Note 10 आपको लाउडर ऑडियो प्रोवाइड करेगा, Narzo 30 आपको क्लियरर ऑडियो प्रोवाइड करेगा। अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, तो इधर आपको दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh बैटरी मिलेगा, उसके साथ 30 या फिर 33 वाट का फास्ट चार्ज,
और दोनों भी जो कनेक्टिविटी बुआ में मिलता है यूएसबी टाइप सी। अगर हम दोनों के पोर्ट के बारे में बात करें तो नार्जो 30 और रेडमी नोट 10 दोनों पे आपको 3.5 इंच जैक मिलेगा और दोनों पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम दोनों के ओएस के बारे में बात करें तो दोनों पे आपको करेंटली एंड्रॉइड 11 मिलता है। रेडमी नोट 10 का जो यूजर इंटरफेस वो हमें मिलता है MIUI वर्जन 12.5, नार्जो 30 में आपको मिलेगा Realme UI वर्जन 2। और फाइनली अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, नार्जो 30 और रेडमी नोट 10 का 464GB का प्राइस है 12,500 रुपये, नार्जो 30 का 6 120GB का प्राइस है 14,500 रुपये, लेकिन रेडमी नोट 10 का 6 120GB का प्राइस है 15,000 रुपये। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो 12,500 रुपये में कौन सा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया है, नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपका बजट है 12,500 रुपये और अगर आप नार्जो के साथ जाते तो आपको मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी CPU, बेटर क्वालिटी सेल्फी या फिर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस और डायरेक्ट HD ऑडियो साउंड का फीचर। लेकिन अगर हम Redmi Note 10 के साथ जाते तो आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऑन पेपर बेटर क्वालिटी बैक कैमरा, बेटर क्वालिटी इंटरनल स्टोरेज और डुअल स्टीरियो स्पीकर का फीचर। देखिए, इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक स्मार्टफोन में जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक स्मार्टफोन में जैसे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर या फिर बेटर क्वालिटी रोम इंपॉर्टेंट है, वही पर हमें बेटर क्वालिटी CPU और क्लियरर साउंड भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इधर आप एक चीज देख सकते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन में हमें ऐसा कुछ फीचर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इधर मेरे ख्याल से ये जो नार्जो 30 ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू रेडमी नोट 10। क्योंकि एक चीज देखिए, हो सकता है रेडमी नोट 10 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया है कि अगर कोई स्मार्टफोन में एक स्पीकर है लेकिन वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज या फिर हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सिंगल स्पीकर है, फिर भी उसका आउटपुट एक डुअल स्टीरियो स्पीकर की इक्वल हो सकता है। तो इस मामले में ये जो Realme मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर है। और प्रोसेसर देखिए, Redmi Note 10 में Snapdragon 678 मिलता है जो कि आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन ये जो Helio G95 बस 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। तो उस हिसाब से Narzo 30 का CPU मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर है। कैमरा के बारे में मैंने तो आपको ऑलरेडी कह दिया, मैंने आज तक जितने भी मतलब जो पहला वाला Redmi Note 1 लॉन्च हुआ था तब से मैं Redmi ब्रांड के स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर एक स्मार्टफोन में हर एक बार में मुझे वो अजीब सा येलो कलर का इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि Realme के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो इस हिसाब से Realme थोड़ा सा बेटर मेरे ख्याल से। तो इसीलिए वीडियो के आखिर में मेरे ख्याल से Realme Narzo 30 ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन है कम्पेयर टू Redmi Note 10। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप दोनों में से 12,500 रुपये में कौन सा लेना चाहेंगे, मैं वो जरूर देखना चाहूंगा। और हाँ, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, इसमें भी मैं डिजिटल गिवअवे करने वाला हूँ। डिजिटल गिवअवे मतलब 5 रुपए के अंदर आइदर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, अगर आप पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेलते तो उसके लिए UC, या फिर अगर आप कोई OTT सर्विस का सब्सक्रिप्शन चाहते तो उसके लिए कोई OTT का रिचार्ज, ये चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को आपको एक लाइक जरूर करना है और वीडियो को अपने कोई ना कोई सोशल मीडिया ग्रुप में एक बार तो जरूर शेयर करना है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो के नीचे एटलीस्ट एक पॉजिटिव कमेंट तो जरूर करना है जिससे कि यूट्यूब उस कमेंट को मुझे दिखा पाए। तो ऐसे ही इस वीडियो पे जैसे टोटल लाइक 70 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रैंडम कमेंट पिकर के जरिए आप में से किसी एक का नाम निकालूंगा, जिसका नाम निकलेगा मैं उन्हें पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पूछूंगा कि उन्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए, उन्हें जो चाहिए वो मैं उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। और हाँ, ऐसे गिवअवे इस वीडियो में भी चल रहा है, इस वीडियो में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और इसके बाद Narzo 30 के साथ एक और कंपैरिजन वीडियो आने वाला है, उसमें भी मैं एक्जैक्टली सेम गिवअवे करने वाला हूँ, इसीलिए गिवअवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।